नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस विभाग की तरफ से आ चुकी 30,000 से भी ज़्यादा पदों पर नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर केवल और केवल कक्षा 10वीं या 12वीं पास वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 30,000 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि होमगार्ड की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप लोग भी केवल 10वीं या 12वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 साल कम से कम और अधिक से अधिक 50 साल के बीच में है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आप लोग अप्लाई करें और अप्लाई करके एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब पा सकें। सबसे मेन और ख़ास बात यह है कि बिना किसी रिटर्न एग्जाम के आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। केवल और केवल फिजिकल और इंटरव्यू होना है इस वैकेंसी के लिए, तो आप लोग रेडी हो जाइए एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। इसके अलावा आपको आगे नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, आवेदन कब से लेकर कब तक कर पाएंगे, एज के बारे में, एज में रिलैक्सेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की इस वीडियो को बिना कहीं स्किप किए आगे बढ़ाए शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा, ताकि आपको प्रॉपर डिटेल में जानकारी मिल सके। अगर आप लोग कहीं पे स्किप करते हैं तो आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी समझ में नहीं आएगी, उसके बाद आप लोग केवल और केवल डिसलाइक करके जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो आपके काम की लगती है, आपको लगता है कि इस चैनल के अंदर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 30,000 महिला होमगार्ड की होगी भर्ती। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये मत सोचिएगा केवल और केवल महिलाओं के लिए भर्ती आने वाली है। आपको आगे और भी नोटिफिकेशन दिखाए जाएंगे, जहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपको बता रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आपको इस बार 30,000 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और आपको होम गार्ड की वैकेंसी मिलेंगी। ना तो यहाँ पे आपको कांस्टेबल की, ना तो हेड कांस्टेबल की, ना तो आपको यहाँ पे और भी किसी तरह की वैकेंसी दिखेगी। केवल और केवल होम गार्ड की पोस्ट के लिए आपको आवेदन करने होंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आसानी से आवेदन भी कर पाएंगे। अगर आप लोग 10वीं प्लस आप 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन कर पाएंगे। अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से हमको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्लस आपको ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको भी देखने का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट 30,000 होमगार्ड पोस्ट ऑनलाइन फॉरम है 2021 के लिए। इसके बाद आप यहां से नीचे आ जाएंगे तो आपको वैकेंसी प्लस आपका यहां पे पोस्ट दिखने वाले हैं। इसके बाद बात करें अगर एज की, तो आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 50 साल की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इन दोनों एज के बीच में है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, अपडेटेड सून है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट ही होने वाला है। देन इसके बाद यहां पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आप लोग कौन कौन से राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको वेतन वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि इनके रूल के हिसाब से दिया जाएगा। नॉर्मली ये 20,000 रुपये तक का होता है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है, जहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आप लोग 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं।
देन इसके बाद कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में जानकारी है, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपका सिलेक्शन केवल और केवल फिजिकल और इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं देनी होगी। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट लिंक्स है जहाँ पे आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करने का लिंक दे दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को linkworking.org की वेबसाइट पे चले आना है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 के लिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर 30,000 होमगार्ड पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करने होंगे। तो दोस्तों ये जो होमगार्ड की रिक्रूटमेंट है वो यूपी पुलिस की तरफ से है, तो आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल देखा। अब आप लोग अगर यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो आपको और भी कई सारी जानकारी मिलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, आप लोग सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ पे जो है तो नोटिफिकेशन को पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये इमेज के अंदर देखना है क्या बोला गया तो आप लोग इसमें देखिए 30,000 महिला होमगार्ड की होगी भर्ती, लंबे समय से खाली पड़े हैं विभाग में हजारों पद। चलिए इसको बता देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, लखनऊ की तरफ से अपडेट है, होमगार्ड विभाग में 30,000 महिला कर्मियों की भर्ती की तैयारी है। विभाग ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिस पर जल्द सीएम कार्यालय निर्णय लेगा। विभाग में पिछले काफी समय से बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, इन पदों को महिला अभ्यर्थियों से भरने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इन खाली पड़े पदों में बड़ी संख्या जो है तो पुरुषों की है, और लेकिन महिला सुरक्षा और सरकार के मिशन शक्ति अभियान के मद्देनजर इन पदों को महिलाओं से भरने पर विचार किया जा रहा। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। दरअसल होमगार्ड विभाग में कुल स्वीकृत पदों को 1,18,348 हैं, पर मौजूदा समय में लगभग 86,000 होमगार्ड ही महकमे में हैं। हर साल 3,000 से 4,000 रिटायर्ड भी हो रहे हैं, विभाग में लंबे समय से भर्ती भी नहीं हुई। ऐसे में विभाग की ओर से न सिर्फ इन पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया बल्कि इनको महिला अभ्यर्थियों को देने की भी तैयारी है। ब्यूरो के हिसाब से यानी कि कई सालों से आपको होमगार्ड की वैकेंसी देखने को नहीं मिली, जिस वजह से इस बार काफ़ी लंबी पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। बाकी अप्लाई का, नोटिफिकेशन डाउनलोड का और सारी चीज़ों को देखने का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग इजिली चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए आपको एक और वीडियो कंफर्मेशन के तौर पे दे दी जाए और आपको फॉर्म भर के भी दिखा दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।